तो गाइज कार काफ़ी गंदी हो गई, अब आज धुलाएंगे अगर टाइम मिल गया तो इसको। गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज चलते हैं, और अगर इसको टाइम मिला तो धुलाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है इसका तो, ये आज या कल जो भी है। तो आज का गाइज आज जा रहे हैं, इस कार का तो बात का है कि इसको देखेंगे, वो उसका करेंगे, पर पहले यहाँ जयपुर जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं आज, तो मम्मी के लिए शॉपिंग करने, साड़ी वगैरह के लिए। अब निकलेंगे, 10 से 48 हो रहे हैं, तो 1 घंटा तो लगता है कम से कम जाने में। नहीं, 1 घंटा नहीं लगता, मतलब मान लीजिए 45 मिनट। वो भी इसलिए लगती है 45 मिनट क्योंकि रोड, वैसे किलोमीटर यहाँ से मान लीजिए अब होगा 23 22 23, पर वो भी इसलिए लगता है क्योंकि रोड सिंगल रोड है, बीच में डिवाइडर नहीं है, तो थोड़ा धीरे चलती है कार उस वजह से। घर पे पहुंच गए तो जयपुर में करें, अब थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, फिर उसके बाद में मार्केट जाएंगे। गई थी वैसे भी, गाड़ी धुल गई थोड़ी बहुत, सही है, पानी में चलेगी तो और नीचे साफ हो गए। अब जाएंगे मार्केट के लिए, बारिश आ गई थी काफ़ी, तो रुक गए 1 2 घंटे लग गए यहाँ पे, बैठे थे अंदर, ऑप्शन नहीं था। और तो गाइस कर ली शॉपिंग, और शॉपिंग काफ़ी भीड़ भाड़ वाले मार्केट से करी है, आज क्या वो त्यौहार भी है ना, मोहर्रम है जो, तो उस वजह से काफ़ी भीड़ ज़्यादा थी, और मम्मी वगैरह शॉपिंग करती है तो बोर हो ही जाते हैं उनके साथ जाने में थोड़ा, और मतलब अपने काम की चीज़ की शॉपिंग नहीं होती तो अपने बोर होंगे, नॉर्मल सी बात है वो। तो हो गई शॉपिंग, मम्मी को बस में बैठा दिया है, मम्मी गई, अब चल जाता हूँ, चलते हैं घर की तरफ। और तो आज वो फेस्टिवल की वजह से जाता है, इधर से निकालूंगा एक गली, इधर इस साइड में से निकालूंगा, सीधा नहीं लूँ, पहले मैं सोचा सीधा लूँगा क्योंकि इधर एक इधर जाता हूँ तो फाटक लग जाती है, प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, फाटक इस गली से निकलेगा तो आगे फाटक आएगी, आगे जाएंगे ना तो पुलिया से निकल जाते हैं, तो इधर से मैं अभी इधर से निकालूंगा कि आगे बता रहे कितना ट्रैफिक हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कहीं निकल गया ट्रैफिक से, तो बिल्कुल उधर से लिया ना मैंने राइट, वो ठीक रहा, मेरे को लगता आगे ज़्यादा ट्रैफिक था। और अब पनीर लेंगे, मसाला डोसा खाने का मन हो गया, आप मसाला डोसा लेंगे, मन तो कभी हो जाता किसी चीज़ का, मसाला डोसा लेंगे और बेक करवा लेंगे, यहाँ खाएंगे दुकान पे नहीं खाएंगे, बेक करवा लेंगे ठीक है, और फिर खाएंगे आराम से। मतलब आजकल मैं ज़्यादा फूड नहीं खा रहा, वैसा फूड नहीं खा रहा, मतलब जैसे स्पाइसी वगैरह नहीं खा रहा, मसाला वाला ठीक है, आलू वगैरह आते हैं ठीक है, वो ठीक है, ठीक ठाक है। मतलब एक मसाला डोसा पैक कर दो, जो तो डोसा आता है ना उससे रेट ज़्यादा है क्योंकि रेस्टोरेंट है, मैंने जो बात है रेस्टोरेंट है तो नॉर्मल क्वालिटी अच्छी होगी ना, अगर क्योंकि मैं खाता हूँ मसाला डोसा, नॉर्मल से बात है मेरे को सही लगता है, क्वालिटी अच्छी होगी जरूर फिर मैं आपके यहाँ पे खाऊंगा नॉर्मल से, मेरा क्वालिटी चाहिए हर चीज़ में, होनी भी चाहिए क्वालिटी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया, टेस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। देखते हैं 15 मिनट के बोला है, 15 मिनट में ले आएंगे वैसे तो, गाड़ी पूरी नीचे तो भाई साहब अटक गई है लग रहा है, पूरी नीचे जाके उठेगी इस गाड़ी, ये गई नीचे भाई साहब, और गाड़ी तोड़नी हो ना तो इधर से आओ, ये प्रॉब्लम है। तो गाइस बेल्ट होता है, घर पहुंच गया हूँ, इसमें पनीर है, ये रहा इसमें, समझ नहीं आ रही है, मैंने पैक करा के अब तक नहीं लिया कभी, मैं जाके दुकान पे खाता हूँ।
तो ये मोबाइल कुछ एक्स्ट्रा ही दिखाता है, मतलब इस मोबाइल का है कि देखो वाइट इतना नहीं है, वाइट ठीक है, पीछे दीवार वाइट नहीं, पहली वाइट दूसरा कलर है तो ये अलग दिखा रहा है। दो लाइट जलाई केवल, दो लट्टू चलाए केवल मैंने, इसमें इतना ज़्यादा ब्राइटनेस वो रीज किया मैंने, तो ठीक है सब। और मैंने डोसा लेके आया था, वो मैंने खाया, खोला पहले तो उसमें आलू नहीं थे डोसे के अंदर, अलग से रख रखे थे उन्होंने, और मैंने नहीं खाया ऐसा डोसा अलग से आलू रखा हुआ कभी। और उसके अंदर वो स्वाद मतलब टेस्ट के मामले में वो ठीक ठाक मान लो, ठीक ठाक मतलब बाहर अपन जो कम पैसे वाला लगाते हैं उससे भी उससे अच्छा नहीं था। और ठंडा हो गया उसमें थोड़ा लग सकता है ख़राब, वो तो है ही, बट नहीं था ज़्यादा अच्छा। टाइमिंग जल्दी दिया था उन्होंने बस, उसके अलावा तो मतलब ट्राई कर लिया, अच्छी बात है, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। अब नॉर्मल जगह है वहाँ पर खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं जो जो सोप थी मिठाई की उसमें से मैंने पनीर लिया था, तो ऊपर उसमें थी, तो मैं यहाँ से लेते हैं, वहाँ दूर जाना पड़ता मेरे को उसके लिए, तो यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, और इतना टाइम नहीं था मेरे पास इस वजह से। तो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।